स्टूडेंट्स, आज हम फाइबर टू फैब्रिक का पार्ट टू करेंगे। पार्ट वन में हमने पढ़ा था कि नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से होते हैं और जो वूल प्रोडक्शन किस तरीके से किया जाता है। जैसे कि हमने देखा था कि शीप के जो हेयर होते हैं, फ्लीस, उनको कैसे शेयर करके वूल को प्रोड्यूस किया जाता है। और हमने वूल मार्क के बारे में भी पढ़ा था कि वूल मार्क जो है वो एक साइन होता है, एक ट्रेडमार्क होता है जो वूल की प्योरिटी को दर्शाता है। ये सारी चीज़ें हमने पार्ट वन में पढ़ ली थी। आज हम पार्ट टू करेंगे। पार्ट टू में हम देखेंगे कि जो नेचुरल फाइबर्स हैं उसमें हम पढ़ेंगे सिल्क, सिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है और सिल्क के जो स्टेप्स हैं प्रोडक्शन के, वो क्या क्या हैं। स्टूडेंट्स, जो सिल्क है वो बेसिकली जो सबसे पहले उसका जो ओरिजिन है वो ये माना जाता है कि वो चाइना से ओरिजिन है उसका। मतलब चाइना में सबसे पहले सिल्क को बनाया गया था, प्रोड्यूस किया गया था और फिर ग्रेजुअली वो सारे वर्ल्ड में अब फेमस हो गया है और अब सब सारे कंट्रीज जो है लगभग इस सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट्स, जो सिल्क है, जैसे वूल जो है वो शीप के हेयर से निकाला जाता है, तो जो शीप के जो हेयर होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रोटीन होते हैं। वो प्रोटीन कहलाते हैं केराटिन प्रोटीन। जैसे हमारे बॉडी के जो हेयर हैं ये भी तो प्रोटीन है, तो सिमिलरली जो शीप के बॉडी के जो प्रोटीन्स हैं वो भी जो बॉडी के जो हेयर हैं वो भी क्या है, प्रोटीन है। ऐसे ही जो सिल्क जो बनता है वो भी एक नेचुरल प्रोटीन है। और जो सिल्क जो है वो एक तो बहुत ही शाइन करता है, वेट में काफ़ी लाइट होता है और सॉफ्ट भी होता है। तो जो सिल्क है उसके कई सारे क्लोथ्स बनाए जाते हैं, साड़ियाँ बनाई जाती हैं सिल्क की, सिल्क के कुर्ते बनाए जाते हैं और सिल्क के सूट्स बनाए जाते हैं। सिल्क बहुत ही एक्सक्लूसिव क्वालिटी के कपड़ों में आता है। और जो सिल्क है वो जो कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर सिल्क को बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है, और वैसे तो पूरी कंट्री में ही सिल्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाइक किया जाता है और लोग उसको पहनना बहुत पसंद करते हैं। जस्ट बिकॉज एक तो बहुत ही एक्सक्लूसिव है, पहन करके बहुत अच्छा सॉफ्ट फील होता है, लस्ट्रस है, शाइन करता है और वेट में बहुत ही ज़्यादा लाइट है। तो देखते हैं किस तरीके से जो हमारा जो सिल्क है वो कैसे बनता है और कैसे प्रोड्यूस होता है। बच्चों, जो सिल्क है वो कोई हमें पेड़ से नहीं मिलता। सिल्क जो है वो कीड़े बनाते हैं, कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं जो सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं और वहाँ से हमें सिल्क मिलता है। कैसे, देखें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट एनिमल फाइबर। सिल्क जो है नेचुरल फाइबर है, जिसमें हम देखेंगे कि जो सिल्क है वो क्या है, एनिमल फाइबर। जैसे अभी मैंने बताया कि सिल्क कैसे बन रहा है, इंसेक्ट से बन रहा है, तो सिल्क क्या हो गया, एनिमल फाइबर हो गया, एनिमल से मिल रहा है हमें सिल्क। इट इज सॉफ्ट, लस्ट्रस एंड लाइट इन वेट। क्या है ये, बहुत ही सॉफ्ट है और लस्ट्रस का मतलब चमकदार, इसमें थोड़ी चमक भी होती है, शाइन करता है। और लाइट इन वेट कैसा है, वेट में हल्का है। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ द सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ यानी कि सिल्क वॉर्म्स इंसेक्ट है जो मलबरी के पेड़ों पे और के लीव्स पे रहते हैं और वहाँ पर एक कोकून का फॉर्मेशन करते हैं। देखो, ये तो एक नेचुरल उन लोगों के पास है, कितनी बढ़िया एक वो है, गॉड ने दी है कि वो एक कोकून को फॉर्मेट करते हैं और कोकून के थ्रू सिल्क का प्रोडक्शन होता है, सिल्क के रेशे बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये सिल्क मॉथ करते हैं, इंसेक्ट्स करते हैं। तो ये जो कोकून का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इनके थ्रू हमें सिल्क के रेशे यानी कि सिल्क के फाइबर हमें मिलते हैं, जिनके थ्रू बार बार उसको प्रोड्यूस करके उसको क्या बना लेते हैं, क्लोथ बना लेते हैं। दस रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वॉर्म्स, जो हमारे सिल्क वॉर्म्स हैं, जो सिल्क मॉथ्स हैं, जिनको जो कोकून बना रहे हैं, वो जो वॉर्म्स हैं, वो जो कीड़े हैं, उनका ध्यान रखना, उनको मैनेज करना, क्योंकि एक दो सिल्क वॉर्म तो पूरा सिल्क का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, उनके लिए तो प्रॉपर तरीके से एक लार्ज स्केल पर उनका प्रोडक्शन करना होगा, है ना। तो मलबरी के पेड़ों पर उनको प्रॉपर तरीके से उनकी केयर करनी होगी, उनकी ब्रीडिंग करानी होगी, उनको प्रॉपर तरीके से जो भी फूड है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरीके से प्रोवाइड करनी होगी, जिसके थ्रू वो ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोड्यूस होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोकून का फॉर्मेशन करेंगे, तभी तो सिल्क मिलेगा हमें।
द रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग द सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। ठीक है, जैसे हम क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, फसल का प्रोडक्शन करते हैं, खेतों में गेहूं उगाते हैं, तो हम उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं, है ना। उसका ध्यान रखना, उसमें दवाइयां डालना, उसमें पानी डालना, ये सारा क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। इसी तरीके से जब हम सिल्क वर्म्स का ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं, पालन करते हैं, रियरिंग और मैनेज का मतलब केयर करना, पालन करना और उनको मैनेज करना, अगर हमें सिल्क वर्म का करते हैं तो वो क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। ठीक है, ऐसे याद रखना, जैसे एग्रीकल्चर वैसे सेरिकल्चर। सेरिकल्चर का मतलब हो जाएगा जो हम सिल्क वॉर्म की केयर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अभी भी इंपॉर्टेंट है, आपके आगे आने वाली क्लासेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये आपके जो हायर स्टैंडर्ड्स में के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, NTSC वगैरह का एग्जाम देंगे या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, तो उसके लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिएगा। लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ, सिल्क मॉथ जो है, जो सिल्क वॉर्म है, उसका क्या लाइफ साइकिल है, किस तरीके से वो पैदा होते हैं, उनके एग्स बनते हैं, कैसे फिर वो आगे की स्टेज में जाते हैं, और फिर वो कैसे कोकून का मेन क्या है हमारा, कैसे वो कोकून का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि सिल्क को प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिल्क के फाइबर्स को। ठीक है, तो ये देखते हैं किस तरीके से कर रहे हैं। देखो, द सिल्क वॉर्म गोज टू फोर स्टेजेस ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। उनकी जो लाइफ साइकिल होती है, यानी कि अंडे निकलने से लेकर के उनके दोबारा एडल्ट तक, उनकी जो पूरी लाइफ साइकिल होती है, ठीक है, मतलब कि जन्म से लेके डेथ तक की जो साइकिल होती है वो लाइफ साइकिल कहलाती है। दे आर आर फोर स्टेजेस, चार स्टेजेस में उनकी लाइफ साइकिल को डिवाइड किया गया है, एग, ठीक है, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। ठीक है, तो एग कौन से हो गए? एग हो गए जो द फीमेल सिल्क वॉर्म लेस टाइनी एग्स। अब आप यहाँ देखो ध्यान से, जो फीमेल सिल्क वॉर्म है वो क्या कर रही है? छोटे छोटे, देखो ये मेल और फीमेल आपके सिल्क मॉथ्स हैं, ठीक है, मेल और फीमेल से क्या बनेंगे? एग्स बनेंगे। उन्होंने क्या किया? फीमेल मॉथ लेज एग्स, मैंने छोटे 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 टाइनी एग्स को उन्होंने मलबरी के लीव्स पे, किसके लीव्स पे उन्होंने एग्स दिए? मलबरी के लीव्स पे एग्स दिए। ठीक है, एग्स देते हैं वो, इनको जब मैनेज किया जाता है तो इनके एग्स को क्या किया जाता है? वॉश कर दिया जाता है और इंक्यूबेट किया जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसको रखा जाता है फॉर बेस्ट हैचिंग परसेंटेज। उसकी जो हैचिंग परसेंटेज मतलब कि उन जो अंडे हैं उसमें से फिर वो क्या निकलेंगे? कैटरपिलर्स निकलेंगे, है ना, तो वो कैटरपिलर्स निकले उनको हैचिंग बोलते हैं। तो एग स्टेज हो गया आपका कि फीमेल सिल्क वॉर्म ने क्या किया, बहुत छोटे छोटे एग्स दिए मलबरी के लीव्स पर और उनको क्या किया गया? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंक्यूबेट किया गया फॉर द बेस्ट हैचिंग परसेंटेज, टू गेट द बेस्ट हैचिंग परसेंटेज। अब आता है आपका लार्वा स्टेज, सेकंड स्टेज आ गया लार्वा स्टेज। लार्वा स्टेज में क्या होगा? लार्वा स्टेज भी बोलते हैं हम इसे, कैटरपिलर स्टेज भी बोलते हैं। अब जो एग्स हैं वो क्या हो जाएंगे? लार्वा में चेंज हो जाएंगे। व्हेन एन एग हैचेस अ सिल्क वॉर्म क्रॉल्स आउट, जब एग्स जो हैं, जो ये जो एग्स हैं हैच हो जाते हैं तो ये खुल जाते हैं, तो उसमें से क्या निकलते हैं? सिल्क वॉर्म्स, छोटे छोटे सिल्क वॉर्म्स निकलते हैं और वो क्रॉल करने लगते हैं। दिस इज द लार्वा स्टेज, इन स्टेज को क्या बोलते हैं? लार्वा स्टेज बोलते हैं। द लार्वा फीड ऑन मलबरी लीव्स फॉर 1 to 4 weeks, लगभग 26 से 27 दिन तक जो लार्वा है अंडे में से निकल जाता है और वो लीफ पर क्या करता है, लगभग लीफ को 26 से 27 दिन तक उसको फीड करता है, उससे वो खाना लेता है। ठीक है, अब क्या है थर्ड स्टेज? प्यूपा स्टेज। अब इसकी स्टेज कंप्लीट हो गई, यानी कि 25-26 दिन तक उसने मलबरी से खाना ले लिया। अब इसका क्या नेक्स्ट स्टेज है इस लार्वा की? अब वो किस में चेंज हो जाएगा लार्वा? प्यूपा में चेंज हो जाएगा। प्यूपा आफ्टर द दिस लार्वा स्टॉप्स ईटिंग एंड स्टार्ट स्पिनिंग द कोकून्स। अब जो है लार्वा ने 25 से 26 दिन तक, यानी कि 1 to 4 weeks तक उसने खाना खाया खूब अच्छे से मजे से मलबरी के लीफ पर, अब उसने खाना बंद कर दिया क्योंकि अब उसको नेक्स्ट स्टेज कर रही है। नेक्स्ट स्टेज है प्यूपा स्टेज। इसमें क्या किया उसने?
क्या बनाना शुरू कर दिया, कोकून का फॉर्मेशन शुरू कर दिया। ठीक है, कोकून इस तरीके से रहेगा, कोकून का फॉर्मेशन शुरू कर दिया। दिस स्टेज इज कॉल्ड प्यूपा स्टेज। ये जो फॉर्मेशन हुआ है कोकून का, ये प्यूपा स्टेज है, इसके अंदर प्यूपा है। द कोकून्स दस फॉर्म्ड आर कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड। इन कोकून्स को कलेक्ट कर लिया जाता है और प्रोसेस किया जाता है, जिनके थ्रू हमें ऊपर के रेशे मिल जाते हैं। वही रेशे जो कोकून जो ये फॉर्मेशन हो रहा है, यही तो क्या है, यही तो है सिल्कवॉर्म्स, सॉरी सिल्क फाइबर्स। तो ये क्या है, सिल्क फाइबर्स है। तो यही कोकून जो है इनको प्रोसेस किया जाता है और कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, द सिल्क मॉथ कंटिन्यूज टू डेवलप इनसाइड द कोकून। इसके अंदर जो है, जो सिल्क मॉथ जो है, ये प्यूपा का जो स्टेज है, ये क्या कर रहा है, इसी के अंदर डेवलप हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ठीक है, और ऊपर से क्या बनाते जा रहा है, एक कोकून का फॉर्मेशन कर रहा है जो सिल्क के रेशे का होता है। द कैटरपिलर चेंजेस इनटू प्यूपा इनसाइड द कोकून। कैटरपिलर का मतलब लार्वा, लार्वा चेंज हो गया कोकून में, लार्वा चेंज हो गया आपका प्यूपा में, और प्यूपा के ऊपर कोकून का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब इसको प्रोसेस करा जाता है और फिर इसके बाद में ये जो कोकून है इसके ऊपर के रेशे निकाल लिए जाते हैं। ठीक है, अब आ गई एडल्ट स्टेज। एट द एंड ऑफ प्यूपा स्टेज, अभी लास्ट स्टेज है, एट द एंड ऑफ प्यूपा स्टेज द सिल्क मॉथ कट्स। जो सिल्क मॉथ है वो कट हो जाता है, कोकून को काट कट करता है और बाहर निकल जाता है और एडल्ट मॉथ बन जाता है। ठीक है, और जो ऊपर की जो लेयर है, जो एनिमल, जो सिल्क का जो फाइबर है वो कलेक्ट कर लिया जाता है। तो इसके थ्रू सिल्क के फाइबर्स को कलेक्ट करा जाता है। ये पूरी एक लाइफ साइकिल है बच्चे, क्योंकि लाइफ साइकिल का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। मान लो कि इन्होंने क्या किया, सिल्क मॉथ्स ने एग्स दिए, एग्स देने के बाद जब तक लार्वा की स्टेज नहीं आएगी तब तक कोकून कैसे बनेगा। तो एग्स देने के बाद लार्वा की स्टेज आनी जरूरी है ना, और लार्वा की स्टेज आएगी तो लार्वा यहाँ पर लगभग 25-26 दिन लीव्स, मलबरी लीव्स को खाएगा, है ना। तो यहाँ पर उसको नॉरिशमेंट मिलेगा, खाने के बाद फिर ये क्या करेगा, कोकून बनाएगा। कोकून बनाना सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है, तभी तो सिल्क फाइबर बनेगा। तो यहाँ से इसको पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि ये कोकून का फॉर्मेशन उसका करे, बनाए कोकून। कोकून के बनाने के बाद कोकून जब वो निकल जाता है उसमें से एडल्ट, तो ये कोकून को कलेक्ट कर लिया जाता है और एडल्ट बन जाता है अपना। ठीक है, इस तरीके से सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। अल्टीमेटली जो है क्या मिलता है हमें, सिल्क का फाइबर। अब देखते हैं सिल्क के फाइबर को क्या किया जाता है। सिल्क के फाइबर को जो है नॉर्मली उसको कलर किया जाता है, फिर उसको वीविंग की जाती है, उससे कपड़े बनाए जाते हैं। अब उसका प्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, सिल्क प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, जो सिल्क प्रोडक्शन है वो उसमें क्या निकल रहा है, सिल्क निकल रहा है। तो जो हमने पढ़ा था लाइफ साइकिल में, जो प्यूपा बना, प्यूपा के ऊपर क्या बना, कोकून। कोकून क्या है, कोकून ही तो फाइबर है, जो फिलामेंट है सिल्क का। तो जो जो कोकून के ऊपर जो फिलामेंट है उसको उससे अलग करना है। तो द फिलामेंट आर टेकन आउट फ्रॉम द कोकून। जो कोकून से जो फिलामेंट हम निकाल रहे हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फिलेचर बोलते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज फिलेचर। क्लियर। नेक्स्ट है, इट इज डन बाय स्पेशल मशीन्स। यानी कि कोकून के ऊपर जो फिलामेंट है, जो सिल्क के फाइबर्स हैं, उनको अलग करना है। और अलग किसके द्वारा किया जाता है, कुछ स्पेशल मशीन्स हैं उनके द्वारा उन फाइबर को अलग कर लिया जाता है। जो फाइबर निकलता है उसको हम रॉ सिल्क बोलते हैं। ठीक है, द रिजल्टिंग फाइबर इज कॉल्ड एज रॉ सिल्क, उसको रॉ सिल्क बोलते हैं। नेक्स्ट है, इट कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स। अब जब रॉ सिल्क निकल के आया तो वो तो एक ही कलर का होगा, तो उनको क्या करेंगे हम, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में डाई कर देंगे। डाई का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा मार्केट में हेयर कलर कितने सारे अवेलेबल हैं, है ना, अलग अलग कलर के हेयर कलर्स मिलते हैं। सिमिलरली उसको डाई बोलते हैं, डाई किया जाता है। तो सिमिलरली जो सिल्क है वो सिल्क भी अलग अलग कलर्स में, एज पर द रिक्वायरमेंट, जो भी हमें कलर चाहिए उसके अकॉर्डिंगली उसको डाई कर दिया जाता है, उनको कलर कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका, सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क। अब जो फाइबर है, जो रेशे हैं, उनको किस में बदलना है, उनको थ्रेड में बदलना है, सिल्क के धागों में बदलना है, है ना। जैसे हम अपने घर में भी थ्रेड देखते हैं, धागा देखते हैं, तो वो किसका बना हुआ है, वो छोटे छोटे हल्के हल्के फाइबर के तो बना है। तो ऐसे ही सिल्क भी, जो सिल्क का जो फाइबर है उसको स्पन किया जाता है
स्पिन किया जाता है, घुमाया जाता है, जिसके थ्रू वो क्या बन जाता है, सिल्क के थ्रेड बन जाते हैं। अब थ्रेड बन गए, धागे बन गए, अब धागों से क्या किया, उसको वीव किया, उसको बुना, तो क्या बन गया, सिल्क का क्लॉथ रेडी हो गया। तो ये कौन करता है, ये वीवर्स करते हैं। सिल्क थ्रेड्स विच आर वूवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स। वीवर्स जो है वीविंग मशीन के द्वारा सिल्क के थ्रेड को सिल्क के क्लॉथ में बनाते हैं। ठीक है, अब है सिल्क की प्रॉपर्टीज क्या है। बच्चे जो सिल्क है वो उसकी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं। एक तो बहुत ही फाइन नेचुरल फाइबर है वो, और सब स्ट्रॉन्गेस्ट भी है। प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क, स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। सिल्क जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि सबसे मजबूत नेचुरल फाइबर है। जितने भी नेचुरल फाइबर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा मजबूत है वो कौन सा है, सिल्क फाइबर है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इट कैन बी स्ट्रेच इनटू, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि खींचने की जो इलास्टिसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। ये जितना भी कपड़ा है सिल्क का, जितना भी है क्लोथ, वो लगभग 25% हम उसको खींच सकते हैं यानी कि उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं at almost 25% of its original strength। जितनी उसकी original length है उससे हम 25% उसको stretch कर सकते हैं, यानी कि higher elasticity है और tensile strength भी इसकी अच्छी है। Next है, it can be dyed easily। इसको हम easily अलग अलग colors में dye कर सकते हैं। It is smoothest and finest of all fibers। जितनी भी फाइबर्स प्रेजेंट हैं उन फाइबर्स में, यानी कि जितने भी फाइबर्स, जितने भी कपड़े आप देखते हैं, हम कॉटन देखते हैं, हम रेयन देखते हैं, हम वूल देखते हैं, है ना, हम जूट, बहुत सारे कपड़े हैं, उन कपड़ों का हम छू करके भी देखेंगे ना तो उनसे ही पता चल जाएगा कि सिल्क बहुत ही स्मूथ होता है, वेरी स्मूथ और बहुत ही फाइन होता है। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई सिल्क की कि सिल्क बहुत ही स्मूथ और फाइन क्वालिटी का होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ कुछ जो सिल्क इंडस्ट्री, जो काफ़ी जो जितनी भी लगभग सिल्क इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर हेल्थ हजार्ड होता है। हेल्थ हजार्ड मतलब कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो भी लोग वहाँ पर काम करते हैं, जो भी वर्कर्स वहाँ काम करते हैं सिल्क के इंडस्ट्रीज में, जहाँ पे सिल्क तैयार हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर उनकी उनके साथ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कैसे, वर्कर्स नीड टू डिप देयर हैंड्स फ्रीक्वेंटली इन बॉइलिंग वाटर, दिस कॉज बर्निंग ऑफ स्किन। जो वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, जो गर्म पानी के अंदर वो कोकून डला रहता है तो उसको बार बार चेक करते हैं कि वो सिल्क रेडी हुआ कि नहीं हुआ, थ्रेड्स जो है फिलामेंट्स अलग अलग हुए कि नहीं हुए, तो वो बॉइलिंग वाटर में होता है। तो उसके थ्रू क्या हो जाता है उन वर्कर्स को, वो बार बार गर्म पानी में हाथ डाल रहे हैं तो उससे उनके हाथ जल जाते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, ठीक है, और मतलब उनके हाथ में फफोले से भी निकल आते हैं। तो ये सारे हेल्थ हजार्ड जो है वो इसके थ्रू होते हैं। नेक्स्ट है, बॉइलिंग ऑफ कोकून्स इन बिग वाटर, जब बहुत बड़े वाटर उसमें कोकून्स को बॉयल किया जाता है तो इट रिलीजेस लॉट्स ऑफ फ्यूम। वो क्या कर रहा है, बहुत सारा धुआं और उसमें से बहुत सारा वेपर भी निकल रहा है, तो उससे क्या होता है उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम यानी कि सांस लेने में उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है। ये एक उनके साथ प्रॉब्लम हो जाती है काम करने के लिए, तो उन्हें अस्थमा हो जाता है या फिर ब्रोंकाइटिस हो जाती है यानी कि रेस्पिरेशन, सांस लेने के समय उनको प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये एक हेल्थ हजार्ड है। नेक्स्ट है आपका, मशीन यूज्ड फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ नॉइज। जो मशीन सिल्क इंडस्ट्री में जो स्पिन कर रही है, स्पिनिंग हो रहा है यहाँ पर मतलब कि फाइबर से जहाँ पर थ्रेड बन रहा है वो जो मशीन होती है उसको स्पिनिंग मशीन कहते हैं, ठीक है, और वीविंग मशीन जब थ्रेड से कपड़ा रेडी हो रहा है, तो वीविंग मशीन और स्पिनिंग मशीन में जब काम हो रहा है तो उस समय वो मशीन जब चलती है तो बहुत ज़्यादा आवाज करती हैं, तो वो क्या क्रिएट कर रही है, नॉइस क्रिएट कर रही है, तो उससे नॉइस जो है प्रॉब्लम हो जाती है नॉइज से रिलेटेड, तो उनसे उनकी जो कान जो है हियरिंग प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती है, उनको सुनने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये सारे हेल्थ हजार्ड हैं जो जो वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं सिल्क इंडस्ट्री में, तो इस तरीके के हेल्थ हजार्ड उनको हो जाते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स उनको हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स जो है हमने अभी पढ़ा इस पार्ट में कि सिल्क जो है वो क्या है और नेचुरल फाइबर है, और सिल्क जो है वो कैसे, सिल्क की जो लाइफ साइकिल है सिल्क मॉथ की वो क्या क्या होती है। स्टूडेंट्स डिफरेंट तरीके के सिल्क जो है वो भी प्रेजेंट हैं, सिल्क की वैरायटीज प्रेजेंट हैं, जैसे मलबरी सिल्क, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि मलबरी के पत्तियों पर क्या प्रेजेंट होता है,
एक सिल्क मॉथ प्रेजेंट होता है, तो वो जो सिल्क मॉथ है वो जनरली उसका नाम है बॉम्बे मोराई। तो इसी तरीके से कई सारे सिल्क वॉर्म्स प्रेजेंट हैं जो अलग अलग तरीके के पेड़ों पर बैठते हैं, जैसे मलबरी के जो पेड़ों पर बैठ रहे हैं वो मलबरी सिल्क हैं, कुछ मुगा सिल्क कहलाता है, तसर सिल्क कहलाता है, कोसा सिल्क कहलाता है। तो ये सारे डिफरेंट वैरायटी है सिल्क की जो प्रेजेंट है, और वो कैसे है डिफरेंट, क्योंकि डिफरेंट तरीके के सिल्क वॉर्म्स अलग अलग तरीके के ही तो कोकून के ऊपर फाइबर्स बनाएंगे, तो डिपेंड करता है कि कौन सा डिफरेंट आपका सिल्क मॉथ है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि ये इतने तरीके की वैरायटी सिल्क की जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, मलबरी सिल्क, मुगा सिल्क, टसर सिल्क, कोसा सिल्क, ये सारे सिल्क जो है वो भी वैरायटीज हैं सिल्क की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने पढ़ा कि कितने सिल्क की जो है कौन कौन सी जो है वो कितने टाइप्स के सिल्क हैं, और सिल्क की क्या वैरायटीज हैं, और सिल्क का प्रोडक्शन कैसे हुआ, और सिल्क की जो लाइफ साइकिल है सिल्क मॉथ की वो हमने पढ़ी, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है आपका यहीं पर ही फिनिश होता है। कुछ भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम वहाँ पर रिप्लाई कर लेंगे और वहीं से इंटरेक्ट कर लेंगे। और टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर चैनल। टिल देन बाय बाय।